बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण किया और कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी है। बीजेपी ने लंबा सफर तय किया है। एक समय था जब 1994 में पार्टी के महज लोकसभा की 2 सीटों पर ही सांसद थे। उसके बाद बीजेपी ने देश भर में मेहनत की और पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बनी, साथ ही कई राज्यों में भी बीजेपी की बनी। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी योजनाओं, नीतियों और विचारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। खासकर अंत्योदय की भावना से पार्टी काम कर रही है। गरीब, जरूरतमंद और पिछड़े वर्गों के लिए बीजेपी काम कर रही है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी और जनता के बीच की मजबूत कड़ी होता है। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया, साथ ही हनुमान जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। छह अप्रैल 1980 पार्टी का स्थापना दिवस, पहला स्थापना दिवस था जब पार्टी का गिनी में रखी गई, और आज 6 अप्रैल 2023 43 साल का सफर पार्टी का। बहुत कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को वहां से शुरू होकर और आज इस लेवल पर पहुंचाया है। आज दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी ये बनी है, और इस पार्टी ने इतना सफर जो तय किया है, समय समय पर बहुत से उतार चढ़ाव भी आए। एक समय था 1984 में मात्र 2 लोकसभा की सीटें थी, और फिर एक समय ऐसा आया कि देश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भी, विभिन्न राज्यों में भी, देश के अधिकांश राज्यों में। कहता हूँ कि जो हमारी नीतियाँ थी, जो हमारी पॉलिसी विचारधारा, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से नीचे तक ले जाने के लिए पूरा जो वातावरण बना है, वो यहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन सब योजनाओं को, नीतियों को, विचारों को जनता तक पहुँचा रहे हैं। खास करके अंत्योदय के भाव से गरीब जनता, जो नीडी है, जरूरतमंद है, जो वनवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जातियों के हिसाब से हो चाहे क्षेत्र के हिसाब से हो, जो पिछड़े हुए हैं उन सबको, और एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए निरंतर प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। आज मैं बहुत संतोष से कह सकता हूँ कि अब जो देश के बारे में पहले कहा जाता था, इस दिशा में कब लोग भटकेंगे और कैसे देश का नुकसान कर सकेंगे, लेकिन आज देश के अंदर स्थायित्व है, देश की एकता के अंदर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और देश आगे आगे निरंतर मजबूत होता जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का